पानी ऐसा भी गर्म हो सकता है दोस्तों, अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो आयरन में भी आप पानी गर्म कर सकते हैं। ये देखिए गर्म हो गया पूरा हिल गया। तो स्वागत है मेरे नई ब्लॉग में। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं अपना काम क्या करता हूँ। मैं तो मेरा काम है सिलाई का काम है मेरा। देखिए मशीन देख रहे ये काम बंद है बहुत दिन से, इस तरह से मतलब सब पड़ा है। इधर है मैं बनाता हूँ दोस्तों, मैं जैकेट बनाता हूँ, बंडी कोट सिरवाने वाने बनाता हूँ। ये मेरा काउंटर है, काउंटर है। अभी मतलब काफ़ी दिन से काम धंधा नहीं है, कई महीना दो महीना हो गया। मेरा सीजन का काम है, मतलब ठंड में चलता है ज़्यादातर और उसके बाद ऑफ हो जाता है, बरसात में तो एकदम काम नहीं होता है। और ये देखिए मैं अभी जा रहा हूँ पानी गर्म करने, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पानी आप गर्म कर सकते हैं आयरन पे भी। तो यहाँ पे तो कोई सुविधा मेरा है नहीं, तो मैं पानी अभी देखिए आयरन पे गर्म कर रहा हूँ। ये देखिए देख रहे पानी ऐसे से हिल रहा है। बोर्ड में लगाया उसके बाद आयरन को उल्टा कर दिया। तो इमरजेंसी में दोस्तों ऐसा भी आप कर सकते, देखिए पानी गर्म हो रहा है। ये देखिए हिल रहा अपने आप, गर्म हो रहा ना, हिल रहा है पानी। इसलिए गला गर्म कर रहा हूँ कि मेरे दांत में दर्द है तो गलाला करना है, इसीलिए मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। अपने आप खिल रहा है। तो आप लोग कभी ऐसा गर्म किए हैं पानी कमेंट में जरूर बताइए। हिल रहा, हिल रहा देखिए। देखिए दोस्तों अपने आप हिल रहा है। अभी देखिए सब मशीन ऐसा ही बंद है, काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ है, बरसात भी पानी भी हो रहा है। देखिए मैं कोलकाता पंचनों में रहता हूँ, यहाँ पे अभी मतलब कुछ ज़्यादा खास बना नहीं है, अभी अवस्था ख़राब ही है, पूरा गांव का तरह ही है। बाहर का भी ऐसा ही है। तो दोस्तों अभी पानी मेरा गर्म हो चुका है और मैं अभी जा रहा हूँ गलाला करने के लिए। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, ये नमक है। नमक है नमक पे थोड़ा डाल दिया। तो बहुत बढ़िया उपाय है, अगर आपका दांत में दर्द है तो आप थोड़ा सा पानी में नमक डाल के गलाला करिएगा तो फ़ायदा करता है, दवाई से भी ज़्यादा फायदा करता है। तो मेरा तो कभी कभी ऐसा होता है, टॉन्सिल वंसिल भी बढ़ जाता है, तो मैं गर्म पानी करता हूँ इस तरीके से। गरीबी है भाई ऐसा करने ऐसा भी कर सकते, मतलब कहते हैं ना कि आदमी जुगाड़ लगा कुछ भी कर सकता है, सब जुगाड़ू काम हम लोग का जुगाड़ से करते हैं। तो फिलहाल मैं यहीं रहता हूँ, ऐसे मेरा घर तो बिहार है और यहीं रहना सहना होता है, इसीलिए कपड़ा वपड़ा भी ऐसा फेंका हुआ है, अभी कोई है नहीं यहाँ। मैं अकेला रहता हूँ, मेरा भाई रहता था वो गांव गया हुआ है। तो अभी इसके बाद गलाला करने के बाद जाऊँगा नहाने के लिए, पानी छूट गया है। तो दोस्तों देखिए गर्म हो गया, पूरा गर्म हो गया है, हिल रहा है, ऑपरेशन हो रहा है पानी में, समझे कि नहीं। यही मेरा छोटा सा कारखाना है दोस्तों, बड़ा था वक्त क्या बोलते उसको, जब लगा था मेरा ये लॉकडाउन लगा था उसके बाद से काम धंधा ख़राब हो गया, बड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पड़ा हुआ है इसकी झुग्गी मशीन तो आप लोग देखे ही होंगे, बड़ा मोटर होता है, देखिए बड़ा मोटर होता है,
कुछ चालू करके दिखा देता हूँ। आवाज होता है इसमें, बहुत आवाज होता है, बहुत आवाज होता है। चालू होगा ना आवाज करेगा। चालू हो गया, चालू हो गया। देखिए पानी हिल रहा है, गर्म हो गया पूरा। दोस्तों ये तो आवाज बहुत ज्यादा कर रहा है, इसको बंद करना होगा। तो भाई के लिए प्यार दिखाइए, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिए भाई, कंजूसी मत करिए आप लोग।